सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू ग्लोइंग लेडीज़ का ट्यूटोरियल, जो कि देखने में कमाल का लग रहा है। और ये इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है यार। तो इसको बनाने के लिए दो एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, पहला तो एलाइन मोशन और दूसरा नोट वीडियो। तो इसका डाउनलोड लिंक मेरे टेलीग्राम पर है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम में मैं पिन मैसेज कर दिया हूँ, तो यार इन दोनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपको एलाइन मोशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, जैसे यहाँ पर जो एलाइन मोशन को ओपन करते स्टेप से इंटरफेस आता है, देन यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है सो वहाँ पर क्लिक करना है, और 9:16 और जो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन सिलेक्ट है ही, क्रिएट पर टैप कर देना है इस टाइप से। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर जो सॉन्ग है उसको ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, मीडिया पे जाते हैं, मैंने एक वीडियो क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करता हूँ, और जो इसका सॉन्ग है उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो सिंपल से जो वीडियो का लेयर है सो लेयर पर टैप करते हैं, और ऊपर थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेंगे, ठीक है। तो जो सॉन्ग है वो वीडियो से अलग हो जाएगा, और जो वीडियो का लेयर है तो लेयर पर क्लिक करके ऐसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो बस अब यहाँ पर जो है आपको बीट मार्क लगाना है। तो जो भी आप लिरिक्स बना रहे हो तो उसके हिसाब से जहाँ पर भी आप लिरिक्स बनाना चाहते हो इस टाइप से आपको कॉल सेट को रखना है। देन आपको एक बार टैप कर देना, ठीक है। एक बार यहाँ पर लाइन पर टैप करोगे तो बीट मार्क लग जाएगा, डबल टैप करोगे तो बीट मार्क हट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको सारा बीट मार्क लगा लेना है यार, सॉन्ग को प्ले करके सुनना है अच्छे से, आपको बीट मार्क लगा लेना, ठीक है। तो तब तक यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो तो यार मुझे ऐसा ट्यूटोरियल लाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है यार। तो सो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक लिए यहाँ पर मैं ऐसे बीट मार्क लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जो है मैंने यहाँ पर सारा बीट मार्क लगा लिया है, तो आप भी इसे लगा लीजिएगा। उसके बाद एकदम फर्स्ट पे जाना है। सो यहाँ पर जो है आपको लिरिक्स को बनाना है, तो उसके लिए एक आपको एक बात बता दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दो फोन का लिंक दे दिया, तो उसको सिंपल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला फोन है डिस्टोरिया फ्री, एंड सेकेंड फोन है iOS V40, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो फोन है उसको ऐड करना है, तो रोबोट रेगुलर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से व्यू ऑल फोन पर क्लिक करके आपको फोन को ऐड करना है। तो इस टाइप से जो फोन है वो रहता है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो थ्री लाइन है ऊपर उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको इंपोर्ट फोन पर क्लिक करना है। तो इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर इन दोनों फोन को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपको जो फोन है वो एलाइड मोशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहले से ऐड है इसलिए यहाँ पर मैं और सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ऐड करोगे तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस टाइप से इसको क्या करना है, यहाँ पर जो लेयर है ये देख सकते हो, ये पीला वाला, उसको सिंपल से इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना, ठीक है। इसका कोई काम है नहीं। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेक्स्ट इफेक्ट प्रीसेट मिल जाएगा और XML मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने XML और प्रीसेट दे दिया, इसका मतलब आप वीडियो को स्किप मत करना या फिर बैक मत करना, ठीक है। अगर आप स्किप या बैक कर देते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, उसमें जो एनिमेशन वगैरह है थोड़ा सा ऐड करना बचा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल से आप जो प्रीसेट है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा। प्रीसेट को इंपोर्ट करते हो तो XML को मत करना, XML को करोगे तो प्रीसेट को इंपोर्ट मत करना, मतलब दोनों में से किसी एक को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही इंपोर्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल से एलाइन मोशन से बैक जाना है। सो बैक जाने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पर जो इंपोर्ट करोगे तो इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है टेक्स्ट इफेक्ट प्रीसेट या फिर XML भी इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस पर दोनों ऊपर ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और कॉपी टू लेयर कर लेना है। कॉपी टू लेयर जैसे करते हैं उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको बैक जाना है और जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से इस पर सॉन्ग के फर्स्ट में ही रहना है, इस पर फिर से टैप करना है और ऐसे पेस्ट टू लेयर कर देना, ठीक है। अब पेस्ट टू लेयर करते हैं उसके बाद क्या करना है, जो बीट मार्क लगाए हैं तो उसके एंड में आना है। सो ये पहला ऊपर वाला लेयर पर टैप कर देना है। सो यहाँ पर टाइमर पर क्लिक करके ऐसे यहाँ से राइट साइड ऐसे कट करना है, ठीक है। सो फिर से आपको जो नीचे वाला लेयर है उस पर टैप करना है, फिर से टाइमर पर क्लिक करना है। सो यहाँ से इसको फिर से राइट साइड ऐसे कट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो हम जो ऊपर वाला लेयर है इमोजी वाला, उस पर टैप कर देना है। सो यहाँ पर जो इफेक्ट है इफेक्ट पर टैप करना है और यहाँ से इस पर एक बार ऐसे क्लिक कर देना, देखिए ये आई है, इस पर ऐसे क्लिक कर दोगे तो आपका जो एनिमेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर जो फोन ऐड किया था इसलिए यहाँ पर देख जो आईफोन वाला इमोजी लिरिक्स है इस टाइप से आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो लिरिक्स है उस पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर जाना है। सबसे पहले इसको ऐसे कट करना है, कट करने के बाद यहाँ से आपको जो आपका लिरिक्स है फर्स्ट वाला उसको टाइप कर देना है। तो मेरा यही लिरिक्स था, फिर से इसको मैं टाइप कर दूँ इस टाइप से और सिंबल से राइट करते हैं। राइट करने के बाद जो ऊपर वाले इमोजी है उस पर टाइप करना है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है, पीछे एडिट टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से जो इसका ये आप इमोजी है कोई भी एक टाइप कर दीजिएगा और सिंबल से राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद इस टाइप से आ जाएगा। क्या करना है, जो सेकंड लिरिक्स है उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो दो आई है ऊपर वाला उस पर ऐसे प्रेस करके क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कॉपी टू लेयर करना है, देन आपको यहाँ से बीट मार्क के एंड में आना है। सो यहाँ पर फिर से टैप करना है और फिर से पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। अब जो ये लिरिक्स है बड़ा है तो इधर आना है, लेयर पर क्लिक करना है, टाइमर पर क्लिक करके इसे राइट साइड ट्रिम करना है, ठीक है। इस टाइप से फिर से सेकंड वाले को ऐसे ट्रिम करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे वाला लेयर है उस पर टैप करना है लिरिक्स का और एडिट टेक्स्ट पर जाना है। सबसे पहले इसको कट करना है और जो आपका सेकंड लिरिक्स जो आप लिखना चाहते हो उसको ऐसे टाइप कर दीजिएगा और सिंपल से इसको राइट कर लेना है। तो सो गाइस, यहाँ पर जैसे ही राइट कर दोगे उसके बाद जो इमोजी वाला लेयर है सो लेयर पर टैप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर जाना है, सबसे पहले इसको कट करना है। कट करने के बाद
यहाँ पर जो आपका एक यहाँ पर एक फिर से एक इमोजी खोल लेना इस टाइप से और राइट कर देना, ठीक है। जैसे ही राइट कर दे उसके बाद जो हमारा सेकंड लिरिक्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो थर्ड लिरिक्स है, थर्ड लिरिक्स को बनाने के लिए सिंपल से आपको फिर से फर्स्ट पे आना है, फिर से इस दो लेयर को ऐसे यहाँ पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है, देन आपको बिटमार्क के एंड में जाना है। सो इस पर टाइप करके फिर से पेस्ट टू लेयर, देन यहाँ से आपको इधर आना है। अब देख तो ये जो लिरिक्स है वो छोटा है तो आपको बिटमार्क के एंड में आना है, फिर से टाइमर पर क्लिक करना है ऐसे, और आपको फिर से इसको राइट साइड इधर की तरफ लाना है, ठीक है, इस टाइप से। सो आपको फिर से ऐसे इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो एडिट टेक्स्ट पर जाना है, फिर से जो इसका लिरिक्स वगैरह इसको चेंज कर लेना है, इमोजी को चेंज कर लेना है इस टाइप से, और यहाँ पर आपको सिंपल से राइट कर लेना है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप से। सो इस टाइप से जो है आपको सारा कॉपी पेस्ट करना है और एडिट टेक्स्ट पर जाकर जो इसका लिरिक्स वगैरह है उसको चेंज कर लेना है, इस टाइप से आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारा जो लिरिक्स है ऐसे क्रिएट कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको जो है एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो 100% एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड एक सेव का बटन मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखिए तो इस टाइप से उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपको इसको प्ले करके देख लेना, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो इसको ग्लो इफेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं करना है, आपको जो भी अच्छा लगता है ऐसे ही देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, अगर आपको ग्लो इफेक्ट ऐड ही करना है तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, सिंपल से यहाँ से आपको बैक जाना है और जो यहाँ पर नोट वीडियो है इसको ओपन कर लेना है, इसका भी डाउनलोड टेलीग्राम पर है, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना, उसके बाद क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो ये रेड वाला प्लस है उस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल से जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मीडिया, उसके बाद वीडियो, वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से आपका जो भी गैलरी ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो भी आप वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया उसको सिंपल से यहाँ से सो गाइस वीडियो को सिलेक्ट करके राइट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर नीचे टाइमर है, ठीक है, टाइमर पर आपको ऐसे क्लिक करना है, इसको राइट साइड स्लाइड करना है इस टाइप से, तो आपको जो इमोजी है वो शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर नीचे प्लस आइकन है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है ग्लो। तो यहाँ से मैं सिंपल से सर्च कर रहा हूँ ग्लो इस टाइप से, और जो ऊपर ग्लो है उस पर आपको टैप कर देना, इस टाइप से आ जाएगा। उस पर टैप करने के बाद क्या करना है, सो गाइस अब यहाँ से जो स्केटरिंग है उसको प्रेस करके नीचे की तरफ लाना है, मतलब इसको आपको 5.00 कर लेना है, मतलब 5.00 ऐसे कर लेना है। उसके बाद जो इंटेंसिटी है तो उसको भी नीचे करना है, ठीक है, कम करना है, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी को आपको 0.6 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है आपको अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हो, मतलब जो भी है, मतलब जो स्केटरिंग को भी बढ़ा सकते हो, इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जितना ग्लो चाहिए उसके हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते उसके बाद जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर मैं 1080p कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर FPS को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो मैं FPS को ऐसे ही रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन बटन पर टैप कर देना है। सो गाइस जैसे ही ग्रीन बटन पर टैप करते हो तो आपका जो वीडियो है एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट होता है। सो यहाँ से जो हमारा वीडियो है एकदम कम्प्लीटली बन चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है तो वहाँ से उसको फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पर आप मुझे पर्सनली बातें कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और यार वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं ऐसे एक और न्यू ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।